हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 21.7 में सभी 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की वजन लंबाई ऊंचाई का सुधार आपको किस प्रकार से करना है आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही जिन बच्चों की लंबाई ऊंचाई एवं वजन गलत दर्ज हो गया है लेकिन वह बच्चे नॉर्मल में थे तो उन बच्चों की लंबाई ऊंचाई एवं वजन को आपको किस प्रकार से सुधारना है, या फिर जो बच्चे सेम मैम या अंडरवेट ओबेस की श्रेणी में गलती से आपसे पहुंच गए हैं, बच्चे के सामने पीले रंग का गोला लगा हुआ है, किन्हीं बच्चों के सामने लाल रंग का गोला लगा हुआ है और आपके भाई बच्चे नॉर्मल में थे तो उन बच्चों का वजन आपको किस प्रकार से सुधारना है, साथ ही लंबाई ऊंचाई को आपको किस प्रकार से सुधारना है, जो वास्तविक लंबाई ऊंचाई है उसको आपको किस प्रकार से डालना है, बच्चे की लंबाई ऊंचाई ज्यादा भर देने की स्थिति में उस बच्चे की लंबाई ऊंचाई को किस प्रकार से घटाना है, इस सभी के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और लंबाई ऊंचाई एवं वजन का सुधार करने के लिए आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बहनों, यदि आपने अपने सभी बच्चों का वजन 100% पूर्ण कर लिया है तो प्रत्येक बार आपके सामने यह समस्या आती है कि किन्हीं बच्चों का वजन एवं लंबाई ऊंचाई गलत दर्ज हो जाती है और वह बच्चा गलती से अंडरवेट या फिर सेम या मैम की कैटेगरी में पहुंच जाता है तो उनको आपको सुधारने के लिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है और आपको जिस भी बच्चे की वजन लंबाई ऊंचाई को सुधारना है उस बच्चे वाले पेज को क्लिक करना होता है। 3 से 6 ईयर्स के बच्चों की लंबाई ऊंचाई को सुधारना है। इसके बाद आपको उस बच्चे को ढूंढ लेना है जिसकी लंबाई ऊंचाई को आपको सुधारना है। ध्यान रहे बहनों, जो बच्चे आपके कम वजन में वास्तव में हैं उनको आपको कम वजन में ही रखना है, सही लंबाई ऊंचाई एवं वजन को दर्ज करना है पोषण ट्रैकर ऐप में, लेकिन जिन बच्चों की गलती से आपके द्वारा गलत दर्ज हो गई है तो उसको आपको सुधार करना है। तो इसके लिए आपको 3 बिंदुओं को क्लिक करना है। इसके बाद आपको 3रे नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में वजन एवं लंबाई ऊंचाई आपको दिखाई दे जाएगी तो हाइट सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको शो करने लगेगी थोड़ी देर में। इसी प्रकार वजन यहाँ पर दिया हुआ है 12 किलो 900 ग्राम और हाइट दी हुई है 101। पिछले माह का यहाँ पर वजन लंबाई ऊंचाई शो करता है तो यहाँ पर हमें बच्चे की सामान्य लंबाई ऊंचाई वजन जो जितना है वह आपको लेकर भरना है जो कि गलत दर्ज हो गया है। तो बहनों, यहाँ पर हमें हाइट सुधारने की आवश्यकता तो है नहीं क्योंकि हाइट सही है बच्चे की लेकिन वजन यहाँ पर कम है, इस कारण से वह बच्चा पीली कैटेगरी में आ रहा है, मतलब मैम की कैटेगरी में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बच्चे की हाइट जो जितनी है उतनी हाइट को यहाँ पर डाल देते हैं। बहनों, यदि आप चाहें तो हाइट को कम भी कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा दर्ज हो गई है तो पहले हम उसी पर टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो जैसे ज़्यादा दर्ज हो गई है तो उसको अभी आप सुधार कर सकती हैं, जैसे यहाँ पर 101 हाइट डली हुई है तो यहाँ पर हम बच्चे की हाइट को 99 कर देते हैं। इसके बाद अब हम वजन 99 हाइट के हिसाब से जितना वजन होता है बच्चे का उस वजन को यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर वजन जो डला हुआ है वह वजन जो हाइट डाली गई है, जो घटा के हाइट डाली गई है उस हाइट के हिसाब से ज़्यादा वजन है तो हमें इसमें घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 12 किलो 900 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर बच्चे का वजन, बालिका का वजन 12 किलो 700 ग्राम यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इसके बाद सुरक्षित कर देंगे। बहनों, यहाँ पर हमने हाइट को घटाया था इस कारण से वजन को घटा दिया है। अब देखते हैं बालिका की ग्रोथ स्थिति नॉर्मल में आती है या नहीं। तो देखिए, थोड़ी ही देर में सानिया नाम की बालिका है, देखिए नॉर्मल की कैटेगरी में आ चुकी है। अब यहाँ पर यदि हम बालिका की हाइट को नहीं घटाते, जो वास्तविक हाइट थी वही डली रहने देते तो हमें उस हाइट के अकॉर्डिंग बच्ची का वजन बढ़ाना होता, क्योंकि उस यहाँ पर बच्चे की पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार बच्चे की जो ग्रोथ स्थिति होती है वह हाइट के अनुसार होती है, ना कि बच्चे की उम्र के अनुसार। तो यहाँ पर बच्चे की जितनी हाइट होती है उस हाइट के हिसाब से कितना बच्चे का वजन होना चाहिए उसके अनुसार ग्रेड निकलता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर देवांशी नाम की बालिका है,
के सामने भी पीले रंग का गोला लगा हुआ है। तो चलिए हम इसको भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको हाइट एवं वजन जानने के लिए माह ईयर को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी हाइट बच्चे की होती है उस हाइट के हिसाब से आपको वजन भरना होता है। बच्चे की हाइट के हिसाब से जितना वजन आता है आपको उतना ही डालना है, क्योंकि यदि हाइट के अनुसार बच्चे का वजन कम रहता है तो वह पीले में आएगा और उस बच्चे को आपको पीले में ही रखना है। लेकिन जो नॉर्मल में है हाइट के हिसाब से भी और वजन के हिसाब से भी, तो उनको आपको नॉर्मल की कैटेगरी में कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन को फिर से क्लिक कर लेते हैं दूसरे बच्चे के वजन को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं 103 हाइट सेंटीमीटर में डली हुई है बालिका की और 13 किलो 500 ग्राम वजन डाला हुआ है। तो यहाँ पर बच्ची के सामने पीले रंग का गोला लगा हुआ है और बच्ची मैम की कैटेगरी में आ रही है, मतलब हाइट के अनुसार बच्चे का वजन कम है। तो हमें यहाँ पर वजन को सुधारने की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर हाइट को उतनी ही डली रहने देते हैं और यहाँ पर हम वजन में थोड़ा वजन इसका बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 13 किलो 500 ग्राम है, तो हम यहाँ पर 13 किलो 700 ग्राम, मतलब 200 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा ज़्यादा ही कम वजन में आ रहा है तो आपको 400-500 ग्राम वजन बढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पर 13 किलो 700 ग्राम वजन कर दिया गया है। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और देखते हैं कि बालिका अब कौन सी कैटेगरी में आती है। थोड़ी ही देर में शो करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बालिका थी वह बालिका नॉर्मल में आ चुकी है, ग्रीन रंग का गोला लग गया है। इसी प्रकार दूसरी बालिका है, उसका भी वजन सुधारना है। साथ ही जो बच्चे आपके रेड रंग का गोला जिन बच्चों के सामने लगा हुआ है, तो वह बच्चे आपके सेम की कैटेगरी के हैं, मतलब उनका बहुत ज़्यादा वजन कम हो गया है, इसलिए वह बच्चे सेम की कैटेगरी में आ गए हैं। सेम की कैटेगरी में बच्चे दोनों स्थिति में आ जाते हैं। एक तो लंबाई ऊंचाई यदि कम रहेगी, वजन ज़्यादा रहेगा, तब भी बच्चा सेम की कैटेगरी में आ जाएगा। और यदि बच्चे का कम वजन रहेगा, हाइट सामान्य रहेगी, तो उस कारण से भी बच्चा सेम की कैटेगरी में आ जाता है। दुबले बच्चे भी सेम की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आपको बच्चे की सही वजन एवं लंबाई ऊंचाई को दर्ज करना है। बच्चों की वास्तविक लंबाई ऊंचाई को आपको नापना है, उसके बाद आपको भर देना है इसी प्रकार से। और अभी आप बच्चे की लंबाई ऊंचाई को घटा भी सकती हैं, तो यह एक अच्छा मौका है। तो सभी बहनें, जिन बच्चों की लंबाई ऊंचाई ज़्यादा दर्ज हो गई है, तो उन बच्चों की लंबाई ऊंचाई सुधार कर दीजिए जो सही लंबाई ऊंचाई है, क्योंकि उसके अनुसार आपको वजन ज़्यादा हर बार डालना पड़ेगा। तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।